मेरा दिल ईद पर मिल चुका है सलमान खान के फैंस को एक नायाब तोहफा। भारत ईद पर रिलीज हुई थी और ऐसा लगता है सलमान खान की इस फिल्म का फैंस काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसका कारण था कि इस फिल्म में सलमान खान कई किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले थे। इस फिल्म को अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया है। आपको बता दें सलमान खान और अली की जोड़ी पहले भी दो ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुकी है, एक तो सुल्तान और दूसरा एक टाइगर जिंदा। ये दो ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद सभी अनुमान लगा रहे थे कि इनकी तीसरी फिल्म भी काफी बड़ी हिट होने वाली है। इस फिल्म में कैटरीना कैफ और सलमान खान एक बार फिर से साथ नजर आने वाले हैं। आपको बता दें इस फिल्म में इनके अलावा एक और अहम किरदार निभा रहे होंगे सुनील ग्रोवर एक कॉमेडियन है और उनको इस फिल्म में एक अहम किरदार निभाने का मौका मिला है। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही मूवी की टिकट्स बुक हो चुकी थी और फिल्म के बुक होते ही पूरे हर जगह फिल्म हाउसफुल आ रही थी। आपको बता दें सलमान की फिल्म ने पहले दिन ही 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और ऐसा लगता है कि महज 2-4 दिनों में ही ये 100 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस कर लेगी। अगर बात करें सलमान खान के फिल्म्स की तो सलमान खान और ईद का एक अलग रिश्ता है। सलमान खान की कोई भी फिल्म जो ईद पर रिलीज होती है बहुत कम होता है कि लोगों को वो पसंद ना आए और उनके फैंस फिल्म को नकार दें, लेकिन भारत को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और उनको रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। अगर क्रिटिक रेटिंग की बात करें तो सलमान की फिल्म भारत को काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिल रहे हैं, हर जगह से उनको 4 या 5 रेटिंग्स मिल रही है। अब देखते हैं क्या ये फिल्म भारत 500 करोड़ का आंकड़ा कर पाएगी पार, क्या ये बड़ी फिल्में जैसे आमिर खान की फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी।